कितने क्वेश्चन किए हैं जल्दी बताओ, शाबाश, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी 14। और किसी ने नहीं किए हैं वो भी बता दो जिसने नहीं किए, एक भी नहीं किया जिसने, एक भी नहीं, ठीक है। चलिए जो, अच्छा सॉरी, जो कुछ डाउट होगा ना कुछ वो बताते रहना, या हम इधर भी छोड़ देंगे कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो, ठीक है। हम सिंपल करेंगे जो हमें सीधा डायरेक्ट के आ जाए, समझ आ जाए। हमने कल भी किए थे, कल भी किए थे ना ये क्वेश्चन, तो बना दिए थे वैसे, फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 7 का बना 15, क्या बना 7 का 15 बन गया ना, तो देखो 7 का 15 बन गया सर आपके पास, और फिर आपके पास क्या बना 15 का 32। कल किया था हमने, देखो 7 का 15 बनना होगा, इसका मतलब 7 × 2 = 14 तो हुआ ही हुआ, ठीक है। 15 × 2 = 30 भी हुआ, 32 × 64 भी हुआ, इसका मतलब गुना दो तो हो रहा है। अब आगे देखो क्या किया जा रहा है, एक जमा यहाँ यहाँ, इसका मतलब आगे क्या होगा, गुना दो जमा चार, गुना दो कर दो सर जमा चार, मल्टीप्लाई सिखाया नहीं है, सिखाएंगे हम अभी ना, आएगा बीच। 67 गुना दो, देखो 2 को कर दो 7 से, 2 × 7 = 14, एक असल, 2 × 6 = 12 और 1 = 13, 134 जमा 1 = 135, ये लीजिए सर। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, जमा ये गलती से कर दिया, 1 2 3 4 जमा होगा तो कितना हो गया 138, क्लियर। 138 मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगला देखो जरा, 3 का 15, 15 का 35, 35 का 63, 63 का 99, क्या हो रहा होगा, प्लस ही होगा सर, होगा तो प्लस ही, देखते हैं क्यों। देखो ये गुना हो रहा है, 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 प्लस करके देखते हैं पहले, बाकी कुछ होगा देख लेंगे, वैसे तो मुझे दिख रहा है क्या हो रहा है, पर मैं पहले प्लस करके देखता हूँ। दूसरा टाइप भी दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, कल कौन कौन प्रेजेंट थे वो बताओ जरा जी, नहीं दिख रहा है कल वालों को, दिख रहा है। एक और टाइप है सर, इधर स्क्वेयर वाला है, वर्ग वाला है, दिख रहा होगा तो, नहीं तो कोई ना हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये यहाँ से कितना आ गए, 12 12 12 3 15, ये 35 15 से कितना आ गए, 20 20 जमा हो रहा है, ये इससे कितना आ गए। अगर जमा करने नहीं आता ना, देखो जमा करने का तरीका होता है बच्चा, कैसे 35 और 5 कितना हो गया 40, 35 5 40, 40 और 20 कितना होता है 60, 3 वो बच गया, तो 5 × 3 = 8, 8 और 20 = 28, 28 हुआ कितना, पर मैंने बोला जमा से बन जाना था, जमा से बन जाना था, ठीक है। अब 63 और 99, देखो 63 में से 7 जमा करे तो कितना बनेगा 70, कितना बनेगा 70, 70 और 20 = 90, 90 और 9 = 99, तो 20 और 9 = 29, 7 और बच गया था, 29 और 7 = 36, कितना 36। अब देखो जरा, पहले हुआ 12 जमा, यशपाल पहले कितना हुआ जमा 12, फिर आगे 20, 12 और 8 20 और 8 28, 28 और 8 36 और 8, वो 36 और 8 46, 36 और 8 44, 44, तो इतना आगे करना तो कर दो 9 × 4 = 13, एक असल। अब देखो ऑप्शन में से देखते हैं, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इसका मतलब बना नहीं सही से, कर लेते हैं पूरा जमा, 9 × 4 = 13, एक बच गया था 1 और 14, कितना आया, गलत तो नहीं किया, ऑप्शन गलत, ये 142 स्क्वायर वाला, 1 और 3 = 1, रुक जाओ ऐसे नहीं बनेगा यार, कुछ मेथड मत लगाना, मेथड मतलब मेथड, ठीक है। ये होता है सर 2 का वर्ग - 1, 4 का वर्ग - 1, फिर 6 का वर्ग - 1, देखो ना 2 का वर्ग होता है 4, 4 - 1 = 3, 4 × 16 - 1 = 15, 6 × 36 - 1 = 35, 8 × 8 = 64 - 1 = 63, 10 × 10 = 100 - 1, तब भी वही आया 143। देखो पहले 2 4 6 8 10, तो आगे 12, 12 का वर्ग - 1, 12 × 144 = 143, क्लियर। ऑप्शन गलत है, बन गए 2 क्वेश्चन, वो बना लेना, होमवर्क करके आना, ऐसा नहीं चलेगा,
जो दिया है वो कर लेना, ठीक है? ऐसे छोड़ोगे तो फिर इतनी क्वेश्चन बनाने का क्या फायदा? इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग बोलते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए मिलता नहीं है कुछ भी, बुक में कम है, डाटा कम है, नहीं मिलता है हमें, तो इसलिए तो डाटा बना के दे दिया इतना सारा, करते रहो जब तक पुलिस का एग्जाम नहीं आता, लगे रहो एक दो दो करके, ठीक है? और चाहिए होंगे और दे देंगे, डाटा का नहीं है कुछ भी, ठीक है? आप लोग बनाया करो बस। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, कोई ना, चलिए देखिए आगे देखो, जो दिख रहा है वो तो डायरेक्ट ही, देखो ये वाला डायरेक्ट दिख रहा है, जो बन रहा है वो बना दो, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, कल किया था तो पांच का वर्ग कितना आता है? 25। ऊपर देखो सर, तीन दूनी छेतियां, देखो पहले हुआ कितना, दो गुना, फिर तीन, तो अब किसकी बारी? इसी की बारी है, इसी की बारी है, तो 18 चौके 72, 18 चौके 72। अगर और तरीका लगाना चाहोगे देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, पर मुझे नहीं लगता बने, दिख नहीं रहा है, पता है क्यों? देखो ध्यान से देखो, हमने कल ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए, याद होगा तो, जब भी पहले अक्षर से ना, पहले अंक से दूसरा अंक छोटा होता है तो इसका मतलब पक्का गुणा पांच किया जा रहा है, या गुणा डेढ़ कुछ ऐसा आधा, ठीक है? तो या तो ये माइनस हुआ, क्योंकि गुणा करके तो आता नहीं है, तीन का आधा कितना होता है? डेढ़, डेढ़ में से आधा और जमा किया तो कितना बन गया? दो। इसका मतलब पहले कितना गुणा किया? आधा, 0.5, और आधा क्या किया? जमा। पर सर उसके बाद तो गलत हो गया ना, हो गया ना, तो नहीं लगेगा मेथड, कोशिश करते हैं जमा माइनस वाले से, ये इससे कितना आगे या पीछे? एक पीछे, तो माइनस एक, ये इससे कितना आगे? चार, ये इससे कितना आगे? दो। क्या ये मेथड बना? फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो नहीं दिख रहा है, पता है क्यों? माइनस एक जमा जमा, गलत गलत, मैंने बोला था मेथड कब बनता है, माइनस एक जमा चार माइनस एक जमा चार, ये कोई मेथड नहीं है, तो सर इसका मतलब और कोई इसका मेथड है नहीं, इसी मेथड से बनना था जो किया, तीन दूनी छः, छेतियाँ 18, पहले दो से गुना फिर तीन से, तो फिर चार से 18 चौके 72, और बारी भी इसी की है, बारी भी क्या है? इसी की। और देखो इधर देखो, दो को कितने से गुना? चार से, तब बना 8, 8 को 5 से, तब क्या बना? 40। अगर इसका आंसर निकालना होता तो कितना आता? वैसे तो इसका बना 72, अगर अगला आंसर निकालना होता तो आगे कितने से गुना? 6 से सर, पहले 4 से, 5 से, 6 से, 6 चुके तो 240, पर ये नहीं पूछा है हमसे, क्लियर हो गया? कर लिया करो सर, अब फटाफट बनाएंगे आप लोग, जो आएगा फटाफट बताएंगे, मैं करवाऊंगा नहीं ज़्यादा, ये तो होगी है, हो ही गया, 1, 9, 25, ठीक है? ये वाला है, चलो कोई ना करवा दो, वैसे तो ये फिर वो अल्टरनेट सीरीज है सूरज, अल्टरनेट है ये, सीधा दिख रही डायरेक्ट, चलो चलिए सर बनाइए, करवाऊंगा मैं, करो तो एक बार भंतूरा है ये, क्या कर रहे हैं? अच्छा ये उस दिन कल किया था हमने, कल किया था, वैसे देखो तीन का बन गया, चार का, पांच का, छः का, पर ये अगला वाला है, आंसर किसका पूछा है? इस वाले का, इस वाले का, एक का, दो का, अब देखो देखते हैं गुणा हुआ या प्लस हुआ, ऑप्शन के हिसाब से भी चलते हैं, एक को दो बनाने के लिए गुणा दो, दो को चार बनाने के लिए गुणा दो, दो दो दो, तो चार दूनी 8, पर एक्चुअल में ऑप्शन में 8 नहीं है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि पीछे हमने क्या किया, एक एक आगे किया, मतलब जमा जमा किया, इसका मतलब इधर गुणे वाला नहीं चला, एक गुणा दो दो, दो गुणा दो चार, चार गुणा दो 8, नहीं आया, नहीं आया ना, कोशिश करते हैं और क्या तरीका होगा, प्लस वाला हो सकता है, जमा जमा दो, और जमा बन गया सर, ऑप्शन में 5 था, आंसर 5 है, नहीं 7 होगा, 4, 3, 7, तो आंसर क्या आएगा? 7 और 7, 7 और 7, हाँ बन सकता था, पर देखो ना मैंने बोला मेथड का मतलब मेथड होता है, नीचे क्या मेथड चला था सोनिया? प्लस का, किसका? प्लस का, इसका मतलब सर ऊपर मल्टीप्लाई का मेथड हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, मेथड का मतलब मेथड होता है और कुछ नहीं, क्वेश्चन तो एक ही है, तो ऐसे कैसे चलेगा कि कुछ हो, ठीक है? तो हमारे पास ये प्लस ही होगा, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता,
तो ये कितना होना था, प्लस होना था, तो 4, 3, 7 ही आएगा इसका ऑप्शन, कोई ना जान लगेगा गड़बड़ है ना, बताते रहना जो जो क्वेश्चन में गड़बड़, ठीक है। चलिए आगे चलिए, हो सकता है आंसर आगे पीछे भी हो, आंसर हो सकता है आगे पीछे भी हो ना, ये तो बना दिया है सभी, बन गए दोनों, बताइए दोनों बन गए हैं, बनाओ। पहला तो बहुत आसान है, 1 का क्यूब 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन और आगे 5 का घन, तो कितना होता है 125। अगला क्वेश्चन कल भी बताया था, जमा हो रहा है सर, गुना मत करो, जहां पे भी लगे ना थोड़ा अटपटा सा आए तो जमा का सहारा लेके करो, किसका सहारा लेके, जमा का। ये इससे कितना आगे है 6, ये इससे कितना आगे है 10, ये इससे कितना आगे है 14। तो देखो 6 4 10 10 4 14 14 4 कितना जमा होगा 18, तो कितना बनता है, कोशिश किया करो ना, कोशिश करेंगे तभी तो आएगा, अगर हाथ का काट के बैठ जाओगे सर नहीं आप ही करवा देना फिर नहीं बनेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे फिर माइंड पता है डाइवर्सिफाई हो जाता है, डाइवर्सिफाई मतलब आपका माइंड बड़ी सारी चीजें सोचता है अलग अलग मैथ, ठीक है। अगर नहीं करोगे फिर तो सीमित रहेगा माइंड, इतना ही रीजनिंग तो दिमाग खोलेगा, ठीक है। एक दो दिनों में आप देखना मतलब अच्छे से हो जाएगा, माइंड चलने लगेगा, जंग लगा होगा। चलिए आगे करें, ठीक है। ये बना नहीं बना 25 बटे, तो ठीक है वेरी गुड यार, ठीक है वेरी गुड, ट्राई करिए इसका मतलब यार, वेरी गुड सूरज। SSC GT का बनेगा तो हो जाएगा इस हिसाब से अगली बार फिर। चलो 1/2, मैं इसको सही से लिखता हूँ क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना ऐसे पढ़ने की, 2 9/2 और इसका बना 8। सोचो जरा जल्दी लगाओ दिमाग, वेरी गुड, करो 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 मेरे साथ करो, जल्दी करो बनाओ, कितना टाइम लगाते हैं, करो तो सही कुछ ना कुछ तो बनाओ। 1/2 को क्या बोलते हैं निशा, आधा आधा, आधे का बना 2, आधे का 2 बना, तो आधे का 2 कब बनेगा, या तो जमा किया होगा या तो गुणा, बाकी तो हो ही नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, भाग हो नहीं सकता, यस या नो। तो बस पहली लाइन बन गई ना, फिर देखो 2 का बना 9/2, 9/2 को क्या बोलते हैं, वो बड़ा आसान है 4.5, क्या 4.5, सोचो जरा, फिर 4.5 का बनाया 8, कैसे बनाया होगा, मैंने बता दिया, मैंने आंसर भी बता दिया, वैसे तो मैंने आंसर भी बता दिया है, पूरा ही चल गया पता, आधे का बना 2, आधे का बना 2, 2 का बना 4.5, ठीक है, और 4.5 का बना 8, ठीक है। अब सोच लो कैसे बना, लगाओ लगाओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट हाथ तो चलाओ, 4.5 + 4 जमा, ठीक है। चलो भाई कुलदीप और राय क्या किया इसमें जमा, पहले इसमें तो 1.5 किया जमा, ठीक है, इसमें 2.5 किया जमा, इसमें यहां से यहां 2.5 किया ना, तो यहां से यहां कितना किया 4.5 था, 4.5 का बना 8, तो कितना किया 3.5, बता तो दिया था मैंने, आप लोग पता नहीं क्या करते, समझ 1.5 2.5 3.5 आगे कितना जमा 4.5, कितना 4.5 कर दो जमा, 4.5 का मतलब 8 4 12 12.5, वो 12.5 का मतलब क्या 12.5 किसका आता होता है, आप लोग पढ़ते गलत है ना मैथ को, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग इसको 1/2 ही पढ़ोगे और बटे में आ गया फिर तो आप लोगों की वाट लगती, बटा 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 1/2 1/2 1/2 9/2 9/2 क्या आ रहा है ये पता नहीं, 9/2 का मतलब 4.5, 1/2 का मतलब आधा बन गया ना, फिर तो आराम से देखो इसको लिखेंगे आधा, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 4.5, इसको लिखेंगे 8, बन गया आंसर आया 12.5, बटे में बदल दो 12.5 किसका आधा, डन क्लियर हुआ, इनफ है ना, बाकी क्वेश्चन छोड़ दूंगा करते रहना। अब आगे अल्फाबेट सीरीज करवानी है मैंने आज, क्या करवाने हैं अल्फाबेट सीरीज, ये कर लेना आप लोग या बना लें कुछ क्वेश्चन, हाँ वही ना कर,
नया टाइप दूंगा, ये करवा दिए, आराम से करते रहना, नहीं आएंगे एक दिन ले आना, जिस जिसके जो डाउट है भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप में, अगले सैटरडे को कर लेंगे फिर जितना करना है, ठीक है, ओके। चलिए सर, नया है सर आगे अल्फाबेट सीरीज। कैसी सीरीज? ये थी नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के साथ ही चलता है वैसे अल्फाबेट सीरीज ना, इसके लिए हमने क्या रखा है, इकट्ठा रखा है। आगे लेंगे सर हम अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। अल्फाबेट देखो क्या क्या होता है अल्फाबेट, हाँ अंग्रेजी के अक्षर, ठीक है, मतलब इंग्लिश की वर्णमाला, अंग्रेजी की वर्णमाला, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज का मतलब हुआ इंग्लिश की वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेट सीरीज। सर देखो अगर हिंदी की वर्णमाला है तो आई क ख सारे आएंगे, ठीक है, कहाँ तक, ज्ञ तक। अगर अल्फाबेट सीरीज है तो क्या आएंगे, ए बी सी डी, कौन कौन आएंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्लियर, आ गया समझ। तो सर देखो ये सारे क्या है हमारे पास, अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट। अब ध्यान से देखना सर, ये अल्फाबेट तो हैं, अब इनके ना अगला जो टॉपिक है ना हमारा वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ये इसके बाद का जो टॉपिक है क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, उसमें ये यूज होती है, इसलिए टाइप बाई टाइप है सारा। तो सर अल्फाबेट सीरीज मतलब ए का कौन सा नंबर है, एक, पहले नंबर पे आता है ना, तो इसको मैं एक ही बोलेंगे, ठीक है, बी दूसरे, सी, डी का, ई का पांच, एफ का सिक्स, जी का सात, आठ, नौ, दस, और उसी तरह से एक्स वाई जेड मतलब 24, 25, 26, 24, 25, 26, डन, क्लियर हो गया। अब देखिए सर, अगर देखो ऐसे याद तो रख ही नहीं जाएंगे हमसे, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए दो तीन वर्ड होते हैं, एक तो होता है इजी होती, ई जे ओ की वाई, ई जे ओ की वाई, पांच का पाड़ा, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांचों के बीस, पांच पंद्रह, पांच का टेबल, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई बन गया। टी 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 से तो इस तरह से भी रख सकते हैं यार, टी ट्वेंटी, टी ट्वेंटी, टी का ट्वेंटी, ठीक है, बाकी ऐसे रख देना ई जे ओ टी वाई, हो गया। अब इसके अलावा देखो सर, आई, आई नो हम बोलते भी हैं, आई नो मैं जानता हूँ, गप्पे मारने खड़े हैं जैसे ऊपर खड़ा था भी एक बंदा, अच्छा हाँ तो बड़े अलग अलग वर्ड थे उसके, स्टूडेंट ही था, हंसी आ रही थी उसके वर्ड सुन के, आपस में कर रहे थे बातें, ओ आई नो बड़े अलग अलग वर्ड होते ना आप लोगों के, क्या क्या बोल रहा था वो भूल गया मैं, क्या सीन है, क्या सीन है, वो आ रहा आई नो आ रहा, ओ आई नो क्या नाम है उसका, विशाल की हरीश, पता नहीं दोनों में से। तो आई का कोड क्या होता है, नो आई नो, के का होता है सर किंग्स इलेवन, मैच तो कभी सुना होगा टीम का नाम, ठीक है, किंग्स इलेवन पंजाब टीम तो है, तो के का क्या हो गया, इलेवन, के का क्या हो गया, इलेवन, ठीक है। हेट, हेट 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 बनता है एच से, हेट किस से बनता है, एच से, तो इसका मतलब एच का क्या हो गया, आठ, हेट 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 हेट, क्लियर सर। इसके अलावा देखो वी, वी को ऐसे बनाते हैं, विक्ट्री का चिन्ह होता है, तो कितना दिख रहा है, दो, कितना दिख रहा है, दो, दो तो बी का होता है, ए बी, पर दो नहीं हुआ तो फिर कितना हुआ, बाईस हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा सर एम एन, इनको लेते हैं 13, 14 एक साथ, क्योंकि अपोजिट को क्यों होते हैं, मैं बताऊंगा अपोजिट क्या होता है। तो आई नो के 11, वी 22, ठीक है, और एच 8, ठीक है, और वी 22 हो गया, और एम एन 13 और 14, क्लियर हो गया। ये सारे याद रखने हैं सर, बस इसी से हो जाएगा। वैसे देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी सबको पता है, 1, 2, 3, 4, ई का क्या हो गया, 5, ठीक है। अगर एफ का पूछ लिया, यहाँ पे होती है प्रॉब्लम कई बार, हमें एफ में अटक जाते हैं, तो इसीलिए ना अंग्रेजी याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, मतलब ए बी सी डी वो जेड तक की मेरे में, ठीक है। जिसको नहीं आती है, जो भूल जाता है कि एस कहाँ आता है, टी के पीछे, पता होना चाहिए, ठीक है, W कहाँ आता है, V के आगे, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर तू गिनते रहो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए अब, ठीक है, अब तक नहीं थी तो अब क्या होनी चाहिए, फास्ट, तभी चलेगा। बता अगर मैं बोलूँ V W,
ठीक है, W का क्या हो गया 23 देखो, ठीक है, फिर मैंने बोला देखो X X 24, Y के पीछे मैंने बोला P P O के आगे 16, O का 15, P का 16, मैंने बोला R R 18 क्योंकि S के पीछे, ठीक है, मैंने बोला L K के आगे L, तो 11 12 12 12, ठीक है, मैंने बोला G H के पीछे, H का अगर 8 है तो G का 7, ये तभी होंगे जब आप लोगों की ना होगा, या एक दो दिन ना क्या करेंगे कि जाते हुए भी ऐसे याद कर लेंगे वर्ड, हाँ ये कहाँ आता है, सोच रहे चलते चलते सोच रहे, ठीक है, जैसे वो भी डेलू जा रहा है तो अब पैदल जा रहा होगा तो सारा हो जाएगा जाते जाते याद, पैदल जाएगा तो मैं तभी तो मैंने बोला पैदल जाएगा तो जाते जाते ही पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, सब हो जाएगा याद जाते जाते, कोई घर जा रहा है पैदल पैदल कर लो याद, ठीक है, खाना बनाने लगे हुए कर लो माइंड में याद, गाना सुन रहे गाने की धुन में ही कर लो याद बीच बीच में, सच्चाई है, और एक बार हो गया ना अगर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रही, ठीक है। अब सर देखो ध्यान से देखना, मैं यहीं पे समझा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग से लेकर भी, हम जो इंडियन लोग हैं ना हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो कहाँ से कहाँ तक है, बाएं से दाएं, बाएं से बाएं होता ना, मैं से खड़ा हूँ देखो मेरा बाएं कहाँ है, यहाँ दायां उस तरफ, तो सर बाया साइड है ये, दाएं साइड है वो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके वहां पे एंड, तो डायरेक्ट देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार पुलिस ने कि बाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से आई का स्थान क्या है, नो, तो सर हम लिखते ही बाएं से, ये तो जानबूझ के बुलाने के लिए दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में ये तो लिखे मैंने, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से आई का स्थान क्या है, मतलब बाएं से लिखे तो हम लिखते भी बाएं से ए बी सी डी, तो कौन से स्थान पर आता है, नहीं आई नो पे, पर अगर दाएं से पूछ ले फिर वो सिखाता हूं मैं, ठीक है, अब देखो अगर हम दाएं से क्या करें लिखे नहीं उल्टा की नहीं, नहीं इसका मतलब ये है अंग्रेजी की वर्णमाला ए बी सी डी एक्स वाई जेड लास्ट में, अब हमने यहां से नहीं गिनना एक दो तीन, हमने एक दो तीन कहां से गिनना, यहां से, इसका मतलब एक कौन हुआ जेड, ये दो ये तीन, फिर एक्स के पीछे डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर टी, आ रहा है समझ, तो इस तरह से सर ये क्या होगा, देखो ये होगा 26 लास्ट, क्या होगा 26, क्या होगा 26, तो सर इसका मतलब अगर हम बाएं छोर से या बाएं अंत से, बाएं नहीं दाएं, दाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से गिनना शुरू करें कहां से, जेड जेड को एक मान के, तो ये बोलता फिर सर मान लो आई का कोड क्या होगा, इसको ध्यान से समझना, मैं सारी चीजें समझाऊंगा, क्लियर है, ये हो गया क्लियर, चलिए अब हम करते हैं सर बाएं से नहीं दाएं से, दाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कोड, कई बार पूछता है अक्षर, क्या क्या पूछता है, या तो कोड पूछता है या तो अक्षर पूछता है, अब देखना, देखो दाएं छोर से पहला नंबर किसका है, जेड का, किसका, अब जेड का कोड कितना आया एक, वैसे बाएं छोर से इसका कोड कितना था 26, अब ध्यान से सुनो दोनों को, दोनों के कोड करो जरा प्लस, कितना बना 27, कितना बना ये 27 क्यों बना, अक्षर तो 26 है, लगाओ दिमाग, सोचने के लिए छोड़ दिया, जेड दो बार आ गया इसने बता दिया, पता नहीं क्यों आया दो बार, अब ये भी बताएंगे मुझे कि दो बार कैसे आया, हाँ आप नहीं बताओगे, अब ये लोग बताएंगे, कोई भी इसने बोला कि जेड जो है ना दो बार काउंट हुआ, ठीक है आया समझ, तो जेड हुआ क्यों दो बार काउंट, बाएं से कब गिना, दाएं से तू गिन रहे एक, मैं बोल रहा हूं ना जेड दाई ओर से कौन से नंबर पे, मनोज पहले नंबर पे, तो ये तो हमने एक की बार तो गिना, दूसरी बार कब गिना, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ सर हमने ना वर्णमाला पहले लिख दी है, वो लिखी नहीं है, ये तो लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड लिखी है, तो जब हम इधर से गिन रहे हैं मतलब हम इंडियन लोग ऐसे ना जो ऐसे लिखते हैं, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगी, इसका मतलब ये कौन सा अक्षर था 26 हुआ, कौन सा था, पर अब हम दूसरी बार फिर गिन रहे हैं इसको, एक बार तो हमें पता है इसकी काउंटिंग कौन सी है 26,
दूसरी बार गिना तो कौन से नंबर पे आया? पहले। तो कितनी बार गिना? दो बार। इसीलिए ना एक ही बार गिना था इसको, दो बार गिना तो तब जाके कितने बन गए? 27। अब ध्यान से सुनो, जब भी किसी अक्षर का कोड निकालना होगा दाएं से, या किसी कोड का अक्षर निकालना होगा दाएं से, क्या क्या बोला? किसी कोड का अक्षर, देखो ना ये अक्षर, इनका अगर कोड निकालना होगा दाएं से, या इन कोड का अक्षर निकालना होगा दाएं से, तो 27 बनाना। क्या बनाना? 27। अब ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन, मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसा सीधा लिखूंगा, ठीक है? दाएं छोर से जी का स्थान, स्थान का मतलब कोड ही होगा सर, कौन सी जगह पे हो, जी का कोड बताएं। आराम से, जल्दी जल्दबाजी मत करना प्लीज, नहीं तो ना बड़े पजल होते हैं इनमें, ठीक है? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कितना टाइम लगेगा तभी तो, एक एक घंटे की क्लास भी रखी है, 1 आवर्स की क्लास भी रखी है, ठीक है? दाएं छोर से जी का स्थान बताएं, ठीक है? एक तो क्वेश्चन नोट करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे। दाएं छोर से ये बोलता जी का स्थान बताना, मतलब जी कौन सी जगह पे, दाएं छोर से गिने ना अगर, तो ये बोलता जी कौन से स्थान पे आएगा, कौन से स्थान पे आएगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, देखो क्या अक्षर लिखा है, अक्षर दे दिया है कौन सा, कौन जी है ना, ये बोल रहा है ना जी बताना कौन से नंबर पे आता है, कहां से, बाई से नहीं, कहां से, दाएं से। तो सर जो अक्षर दिया है उसे ध्यान से सुनो, संजय नींद तो नहीं आ रही है, पानी रखा करो या तो फैन चलाएंगे, पता नहीं, ठंडे ठंडे ये सो ऐसा लग रहा है, बड़ा शांत बैठा है, ऐसे ऐसे बैठता है, पता नहीं, चलो कोई ना, इतना सा इनफ है ना, कोई आराम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जी जो दिया था लिख दिया, अब देखो जी का कोड लिखो, अब मैंने बोला किसी का भी कोड निकालना हो या अक्षर निकालना हो, कहाँ से, दाएं से, तो क्या करना, स्थाई बनाना, क्या बनाना, तो ये है 7। 7 को स्थाई बनाने के लिए कितने की जरूरत है, कितने की? अब देखो हमसे पूछा क्या है, कोड ना, कोड ना, कोड का मतलब क्या होता है, ये नंबर 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब जी का कोड क्या है, कितना है, बस बन गया, जी का कोड लिखा, वैसे कितना है जी, कौन से नंबर पे आता है, 7। दाएं से पूछा है तो मैंने बोला क्या बनाना, स्थाई, जी का कोड कितना होता है, 7। स्थाई बनाने के लिए कितना चाहिए, 20, तो इसका मतलब सर इसका कोड क्या है, 20, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं, देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही दे रहा हूं, कोई अलग नहीं कर रहा हूं मैं, सब फिलहाल दूसरा क्वेश्चन भी लिखता हूं, मैंने बोला सर मान लो पी का दाएं छोर से या दाई ओर क्या कोड होगा, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आंसर जिसको आता है सबको करने देना, ठीक है? पी का दाएं छोर से क्या कोड होगा, फिर क्या पूछा है, कोड ही ना, किसका, अक्षर का, अक्षर का मतलब इसका पी का, अक्षर ही तो है, तो सर पी लिख दो, पी लिख दिया, पी कौन कौन से नंबर पे आता है, 16, कितने, 16 को क्या बनाना, स्थाई बनाना, तो 16 को स्थाई बनाने के लिए कितना चाहिए, इसका मतलब पी का दाएं छोर से क्या कोड होगा, क्लियर, वो हो गया, आसान है ना, तो बस ऐसे समझना है, समझ करना कि बड़ा लोड मत डाल देना, आराम से, कोई ना, जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तभी तो एक एक घंटे की क्लास है, आराम से जितना पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि पढ़ा पढ़ा फिर हो गया गायब गया सब, इधर फिर आ जाना पढ़ने, तब भी नहीं होगा, ठीक है? ऐसा सोचो कि इस बार जो पढ़ना है कभी भूले ना, फिर जाके समझ आने लगेगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो सर, अब तक हमने क्या निकाले, कोड, अब मैं उल्टा पूछूंगा, ठीक है? दाएं छोर से मतलब दाएं अंत से, दाएं अंत से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है, देखो दाएं छोर से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ओ वेरी गुड, यस मैम, चलने लग पड़ा दिमाग पहला जी ने, वैसे आज क्यों,
पहला ही है, दाएं छोर से आठवें स्थान पर। पहले देखो अक्षर अक्षर दिए थे, कोड कोड पूछा था, इस बार क्या बोला है, दाएं छोर से आठवें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इसका मतलब निकालना क्या है, अक्षर निकालना सर, इस बार क्या निकालना, अक्षर। तो हमें क्या दिया है, कोड, क्या दिया है, कोड। ये बोलता है आठवें स्थान पर कौन होगा दाएं से, तो आठवें का मतलब आठ लिख दो, लिख दिया। आठ को क्या बनाना, स्थाई, जब भी दाएं से पूछो तो स्थाई। आठ को स्थाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना जमा करना पड़ेगा, 19। अब कैलकुलेशन तो फास्ट होने के, कितना जमा करना पड़ेगा, 19। इसका मतलब कोड पूछा तो कितना आता, 19, पर कोड थोड़ी पूछा है, कोड नहीं पूछा है, क्या पूछा है, अक्षर। तो सर इसका मतलब 19वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, वो बन गया। आसान है, आसान है, बहुत इजीली बन रहा है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस आगे नहीं लेंगे, नहीं आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं अंत से, दाएं अंत से, दाएं अंत से 23वां अक्षर कौन होगा। बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं भाई, जल्दी बना रहा है यशपाल, खुश हो गया है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है, वेरी गुड। दाएं अंत से 23वां अक्षर कौन होगा, निकालना क्या, अक्षर ना, ये बोलता त्रीवां अक्षर कौन होगा, इसका मतलब हमने क्या निकालना, आंसर क्या निकालना, अक्षर निकालना, 23वां अक्षर, अक्षर। तो सर हम क्या करेंगे, 23वां मतलब 23 लिख दो, 23 को क्या बनाना, 27, तो 23 को 27 बनाने के लिए क्या चाहिए, 4। इसका मतलब कोड तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है, अक्षर, तो 4 कौन होता है, डी, 4 कौन होता है, डी। तो इसका मतलब सर दाएं अंत से, दाएं छोर से 23वें नंबर पे कौन होगा, डी होगा, देख लो चाहे 26, 25 के बाद 24 और 23 हुआ ना, यस या नो, इतना क्लियर है। तो बच्चा ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी हो गया, अल्फाबेट सीरीज तो करनी ही है, पर साथ में क्या कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी हो गया, ये क्लियर है। अब चलते हैं, चल हो गया ना, लिख लिया, नोट कर लिया, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये तो सीरीज है, नंबर सीरीज ही, यहाँ यहाँ मैं क्वेश्चन लूंगा, पहले एग्जांपल कुछ फिर दूंगा मैं, आगे क्वेश्चन है करने के लिए, ठीक है, पहले मैं अपनी ओर से करवा लूंगा क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना, नंबर सीरीज की तरह है, तभी तो मैंने अल्फाबेट कोड याद करवाए, 1-3 ऐसे आएगा, ठीक है, लिख लो, ए सी ई जी, आगे क्या है, दूसरा आगे क्या, बी डी एफ एच आगे क्या आएगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बी सी ई जी आगे क्या है, मैथ की तरह है, कोड लिखो बन जाएंगे फटाफट। इसका मतलब नंबर सीरीज नहीं करी, अल्फाबेट सीरीज करी, ठीक है, जिसको वो आ जाती है उसको ये भी आ जाएगी, आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, जी जी सर, थोड़े से मैंने दे दिए, बस इनफ है समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे हम आगे, जल्दी से बनाइए सर। पहला क्वेश्चन है ए सी ई जी,
ए सी ई जी, आगे क्या आएगा? दूसरा है बी डी एफ एच, आगे क्या आएगा? तीसरा है बी सी ई जी, आगे क्या आएगा? ई जी जे एन एस, आगे क्या आएगा? एक्स वी टी आर पी, आगे क्या आएगा? इस तरह से, ठीक है? चलिए बनाइए, जल्दी 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 कोड लिखिए और फटाफट बनाइए, कोड लिखिए और फास्ट बनाइए। ठीक है, कल भी क्लास ही होगी, ठीक है? कल नहीं होगी, अभी डाउट सेशन, सैटरडे रखा है, पर अभी तीसरा ही दिन है कल, इसीलिए कल डाउट सेशन नहीं होगा। अगले सैटरडे के लिए जितना पढ़ेंगे उतना डाउट पहले लिख के रख लो और फोटो खींच के भेज देना, शुक्रवार से पहले पहले, अगले शुक्रवार से पहले पहले, शुक्रवार और शनिवार फिर लेट भेजोगे फिर नहीं लेंगे डाउट उनका, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा है कई डाउट देखना भी पड़ते हैं खुद, ऐसा थोड़ी एकदम से आ जाएंगे, क्या पता कई क्वेश्चन भी होते हैं गलत, उन्हें भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है? आराम से करेंगे। और ये क्या पता मेरा एक लास्ट सेशन हो इस अकेडमी में, मतलब ये वाला, क्योंकि रिजल्ट आ गया है रात को, क्लियर तो नहीं हुआ है पर वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो आ जाएगा 2-3 महीनों के बाद FCI। अगले महीने से ज्वाइनिंग स्टार्ट है FCI, अगले महीने से ज्वाइनिंग स्टार्ट है, तो ज़्यादा नहीं तो 1.5 महीने के बाद दूसरी हो जाएगी स्टार्ट वेटिंग लिस्ट पहली वाली, तो तब तक आप लोगों का बैच खत्म हो ही जाएगा। मेरिट तो काफ़ी गई है, 64-65 स्टार्ट गई है। चलिए बनाएं, बनाएं, चलिए सर देखो और देखो, जरा फायदा हो जाएगा आप लोगों को, ये क्लासेस हमेशा के लिए रहेंगी, ठीक है? फायदा हो जाएगा। चलिए 1, 3, 5, 7, आगे क्या आएगा? 9 मतलब मैथ, पूरा मैथमेटिक्स सर, 2, 4, 6, 8 जी, 2, 3, 5, 7, आगे 11। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं, कल ही बताया है, तो किसका? के का, किंग्स इलेवन पंजाब, ठीक है? आगे 5, 7, 11, 10, 14, 19। अब ये थोड़ा सा है सोचने के लिए, देखो 5 और 2, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 5, 19, इसका मतलब पहले कितना जमा? 2, 3, 4, 5, तो लगातार ही तो चला है। अगर ऐसा था 2, 3, 5, 7, फिर 11 होना था जमा, ठीक है? पर लगातार चला तो सर आगे कितना? 6, 19 और 6, 25 मतलब, 25 मतलब, क्लियर है? अगला सर x का कितना? 24, फिर 22, फिर 20, 18, 16, सर दो दो पीछे जा रहा है, 24, 22, 22, 20, 20, 18, 18, 16, 16 और 2, 14, दो दो माइनस सर, तो किसका? अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ, याद आ गया अभी, करते करते याद गया वैसे याद। एक उधर लिखता हूं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए बनाए दो क्वेश्चन, ये लास्ट है, बस आज की क्लास इतनी चलेगी, बाकी पूरा होमवर्क है, थोड़े से इसमें 10-12 क्वेश्चन है बस अल्फाबेट सीरीज के, ज्यादा नहीं डाले, पर इसको तो करना ही करना है, होमवर्क मिल जाएगा आज, कल हमने ऐड नहीं किया था ना होमवर्क, उसमें होमवर्क सिर्फ मैथ का मिला था, पर ये पीपीटी थी आप लोगों के पास, इसी में से करने हैं बार बार, ओके? पर आज रीजनिंग का होमवर्क भी मिल जाएगा इस वाले का, बनाओ 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। जिसको वीडियो डाउनलोड करनी होगी, पहली वीडियो डाल दी भागमल, डाल दी ना, ठीक, दूसरी भी डाल देना, और जिसको करनी होगी, मेरा नेट ऑन ही है, आप लोग कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है? आपके पास डाटा नहीं होता होगा तो इधर ही करके जाना है डाउनलोडिंग, ठीक है? फ्री पर पड़ा है डाटा है तो आप लोग कर सकते हैं।
बन गया संजू लास्ट, यही तो बनाना है, यही तो बनाना है। एल एन क्यू वी बी, एल एन क्यू वी बी, इस वाले का उधर वाले का बनाओ। ये तो बन जाएगा सबका, देखो ये आसान है। के का कितना है 11, इसका 13, इसका 15, इसका तो 11 दो 13, 13 दो 15, 15 दो 17, दो 19, 19 का मतलब एस, ये तो बन जाएगा, ये हर कोई कर लेगा। उधर बनाओ सर, उधर 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 है बनाने के लिए, वो गलत तो नहीं किया। भाई छप्पी हुए यार, हाँ गलत किया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ मैं बोल रहा था ऐसे कैसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो कर रहे हैं, जैसे इसने भी लिखा था, आपने भी लिखा था, पर अगला बना नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ सी है, सी है, सी है, सी है, एल एन क्यू वी सी। आगे क्या आएगा, चलो मैं करवा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखिए एल का कोड क्या होता है 12, एन का 14, क्यू का 17, वी का 22, सी का 3। आगे क्या आएगा ये देखो सर, ये से कितना आगे है 2, ये से कितना आगे है 3, ये से कितना आगे है 5, 2, 3, 5। अब देखो 22 से आगे गिनो 23, 24, 25, 26, 26 की बात तो 1, 2 चलेगा वापस, 1, 2, 3 तो कितने हुए 7 जमा हुए, कितने जमा हुए, आ रहा है क्लियर, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो पहले 2 जमा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो यशपाल आगे कितने जमा 11। क्यों, अभाज्य संख्याओं का अंतर चला है, क्या चला है अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस, योग बोलो चाहे अंतर बोलो, इतने इतने का गैप चला है। तो सर इतना कर दो आगे, 11, 3, 14, तो 14 किसका होता है एन का, किसका एन का, ये लीजिए, क्लियर हो गया, हो गया ना क्लियर। तो बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं इस नंबर सीरीज 2 के बाद अल्फाबेट सीरीज के, वो करने हैं, वो तो करने ही है। हाँ जी 14 ही आएगा, क्यों, ओ क्या कर रहा है सूरज, 2 अभाजिया, 3 अभाजिया, 5 अभाजिया, 7 अभाजिया, 11 अभाजिया, तो 11 है अभाजिया, 14 थोड़ी है अभाजिया, जो जमा संख्या कर रहे हैं ना वो है अभाजिया, ऊपर वाली नहीं आनी चाहिए अभाजिया, जमा कौन आनी चाहिए अभाजिया, जो जमा वाली संख्या कर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं वो है अभाजिया। हाँ ये रखना ध्यान, ये क्या कर रहे हो आप, क्या समझ रहे हो, 2 अभाजिया है, 3 अभाजिया है, 5 अभाजिया है, 7 अभाजिया है, तो अगली 11 अभाजिया, तो मतलब 11 आगे कर रही, 3 11 आगे की तो कितना हुई 14, हाँ प्लस वाली है अभाजिया, ऊपर वाली नहीं अभाजिया, कौन है प्लस वाली है अभाजिया, तो कितना आया एन, हो गया। चलिए सर लिखना तो नहीं है कुछ, हो गया ना, ठीक है उत्तर देते, बाकी मिल जाएगा आप लोगों को ना। आपकी बार तो नहीं रही, बात नहीं रही, कोई ना जाओ आप लोग बस, बाकी मिलेंगे कल, वीडियो डाउनलोड करनी तो नेट कर लो, कनेक्ट बस कर दी।